हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो जेवर नगर है उसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास 1000 एकड़ ज़मीन पर हवाई जहाज़ के पुर्जों के साथ साथ पूरे हवाई जहाज़ की असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएगी। इसके लिए भारतीय कंपनियों के साथ साथ अमेरिका समेत कई विदेशी कंपनियाँ भी अपनी यूनिट लगाने के लिए उत्सुक हैं। यह योजना इसी महीने लाई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में नायल बना रहा है। यहाँ एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के विमानों की मरम्मत भी हो सकेगी। अभी तक भारत को दूसरे देशों में अपने विमानों की मरम्मत करानी पड़ती है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे फेज में 1365 हेक्टेयर ज़मीन ली जा रही है। इसे मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल एविएशन हब के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। नोएल ने एविएशन हब बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन 5-5 एकड़ की यूनिट लगेगी और एंकर यूनिट के लिए बड़े साइज वाली ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जल्द एविएशन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लाई जाएगी जिसमें हवाई जहाज की असेंबलिंग, इंजन बनाने वाली कंपनियां, नोजल बनाने वाली कंपनियां और हवाई जहाज के दूसरे कई इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां अपनी यूनिट्स लगाएंगी। कई कंपनियों के साथ अमेरिकी दूतावास के जरिए बातचीत भी हो चुकी है और हाल ही में यूपी कैबिनेट में मंजूरी मिली है कि जो एफडीआई पॉलिसी का लाभ विदेशी कंपनियों को मिलेगा, एफडीआई पॉलिसी के तहत उन्हें 75% लैंड सब्सिडी दी जाएगी और बाहर के देशों से इक्विपमेंट लाने पर कस्टम में छूट दी जाएगी। और जो एविएशन हब है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, इनके लिए यह ठीक अवसर भी है। विदेशी कंपनियों के लिए रास्ता खुल गया है। अब विदेशी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपना इन्वेस्ट आराम से कर सकती हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विकसित करने के लिए लेआउट बनाने का काम पीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया है। इसका लेआउट बनते ही नायल बोर्ड की बैठक बुलाकर स्कीम लाने पर फैसला लिया जाएगा। इसके आने से उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के रोजगार मिलने का अवसर पैदा होगा और यह बहुत बड़ी बात होगी कि उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज़ों की मरम्मत का काम शुरू हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में इतना ही।